12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। यह दिन निमोनिया के खिलाफ लड़ने का लक्ष्य रखता है। यह निमोनिया रोग, इसके लक्षण, कारण और उपचार के बारे में जागरूकता पैदा करता है। निमोनिया होने से फेफड़ों में हवा की थैलियों में संक्रमण या बलगम भर जाता है। निमोनिया सबसे पहले फेफड़ों के एक हिस्से को सख्त कर देता है, उसमें शुद्ध हवा का आवागमन बाधित हो जाता है। गंभीर निमोनिया घातक भी हो सकती है। तो चलिए जानते हैं विश्व निमोनिया दिवस से संबंधित मुख्य तथ्य। विश्व निमोनिया दिवस का उद्देश्य विश्व भर के लोगों में निमोनिया के प्रति जागरूकता फैलाना है। पहला विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर 2009 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व भर में मनाया गया था। निमोनिया के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ही प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। विश्व निमोनिया दिवस दुनिया को एक साथ खड़ा करने और निमोनिया के खिलाफ लड़ाई में कार्रवाई की मांग करने के लिए एक वार्षिक मंच प्रदान करता है। बच्चों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले 100 से अधिक संगठन 2 नवंबर 2009 को पहला विश्व निमोनिया दिवस आयोजित करने के लिए चाइल्ड निमोनिया के खिलाफ ग्लोबल गठबंधन के रूप में सेना में शामिल हुए थे। निमोनिया एक रोके जाने योग्य और उपचार योग्य बीमारी है जो 5 साल से कम उम्र के 155 मिलियन बच्चों को बीमार करती है और हर साल 1.6 मिलियन को मार देती है। यह 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या 1 को निमोनिया बनाता है, जो इस वर्ग में एड्स, मलेरिया और संयुक्त खसरे से अधिक जीवन का दावा करता है। फिर भी ज़्यादातर लोग निमोनिया से होने वाली मौतों के बारे में अनजान हैं। इस वजह से निमोनिया को वैश्विक स्वास्थ्य एजेंडे पर प्राथमिकता के रूप में देखा गया है और शायद ही कभी समाचार मीडिया के कवरेज में मिलता हो। विश्व निमोनिया दिवस इस स्वास्थ्य संकट को जनता के ध्यान में लाने में मदद करता है और नीति निर्माताओं को जमीनी स्तर के लिए आयोजकों को बीमारी का मुकाबला करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए जेके न्यूज नेटवर्क के साथ, और हाँ, हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।